ये मामला है मझौलिया पश्चिम चंपारण के धोकराहा पंचायत के वार्ड नंबर 11 का। शुक्रवार के दिन एक घटना घटी जिसमें अंकित कुमार की मौत हो गई। अंकित 22 वर्षीय था और लाइन में करंट आने की वजह से उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि ये जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मृतक की मां प्रतिमा देवी पति हरि माथुर शर्मा के आवेदन के आलोक में थाना कांड संख्या 193/23 धारा 304 201 34 के नामजद अभियुक्त रविंद्र सिंह और उनकी पुत्री पर केस दर्ज हुआ है। आवेदक प्रतिमा देवी ने आवेदन में लिखा है कि उसके बेटे अंकित को बुलाकर पानी पटाने के लिए मोटर की तार जोड़ने के लिए कहा गया। तब तक रविंद्र सिंह की पुत्री ने लाइन चालू कर दी, जिसके चलते अंकित कुमार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये मौत करंट लगने से हुई है। मझौलिया पश्चिम चंपारण से मनीष कुमार की रिपोर्ट। कल बिजली का करंट लगने से ठोकराहा के एक बच्चे अंकित कुमार की मृत्यु हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उनके परिजनों द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें रविंदर सिंह और उनकी लड़की के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो लोग घर से बुला के ले गए और तार जोड़ने के लिए बोले तथा उनकी लड़की द्वारा स्विच दबा दिया गया, जिससे करंट लगने से उस बच्चे अंकित कुमार की मृत्यु हो गई।